मेरठ में हो गई है बारिश। मेरठ में तो बारिश कई दिन से हो रही थी, लेकिन हमारे एरिया में हुई है आज। जब मैं सुबह उठी ना सोकर, तो यहाँ बारिश हो रही थी झमझम झमझम झमझम। और मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ अपनी बस का। तो मैंने सोचा चलो तब तक थोड़ा सा व्लॉग ही बना लूँ, आपको दिखाऊँ यहाँ का नज़ारे। देखिए गीला गीला हो गया है सारा मौसम और अच्छा लग रहा है। इधर से भी सारे बादल आ रहे हैं और बस ऐसे ही रहे अब दो चार दिन कंटिन्यू, बस रुके ना तभी सही है। अदरवाइज़ तो बहुत ही गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। हम रोज़ भगवान जी से कह रहे थे कब होगी बारिश। हमने इतनी रील्स भी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ पर बारिश आने का नाम नहीं था। और मुझे दूर से अपनी बस आती हुई दिख गई है। तो चलिए बाकी फिर अब मैं स्कूल से आने के बाद करूँगी, क्योंकि मेरी बस आ गई है। हाँ जी, तो आ गए हैं घर वापस। सुबह जितना हसीन मौसम हो रहा था, एक्चुअली क्या है ना, हमारी नज़र ही लग जाती है हमारे यहाँ मौसम को। पहले तो यहाँ का मौसम ठीक होता नहीं है, गर्मी रहती है मोस्टली टाइम। अगर हल्की सी हवा चलती है या बारिश होती है तो हम लोग बावले हो जाते हैं। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बावला? तो हम लोग सुबह बावले हो गए थे। क्या होता है बावले का मतलब? बावले का मतलब पागल हो जाना, खुशी के मारे पागल हो जाना। वो हो चुकी थी, मैं सुबह इतनी खुश थी, मैं अपने हेयर खोल कर आज स्कूल के लिए सोच रही थी जाऊंगी। बट जैसे 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 हम स्कूल पहुंचे, दिन थोड़ा थोड़ा चढ़ना शुरू हुआ, बारिश रुक गई। और अभी तक शाम के, अब दोपहर के क्या बज रहा है, 2:30 बज रहा है। कितना बज रहा भाई? 2:30 यानी 2:30। और बारिश कब की रुक चुकी है, धूप निकल रही है और गर्मी में ही हम लोग आए हैं। तो जो एक उत्साह था ना सुबह, जो आप लोगों को दिखा भी होगा मेरे फेस पर, अब आप लोगों को मेरे फेस पर उत्साह नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह थक गए। और जैसे कि एल ब्लॉक में हमारे घर के पास सड़कें खुद रही हैं, तो इसलिए अब हमें चलकर भी काफ़ी आना पड़ता है। बस भी हमें बाहर ही उतार देती है, तो वहाँ से घर तक आना भी बहुत ही गर्मी में प्रॉब्लम हो जाती है। खैर कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें तो आदत है, खतरों के खिलाड़ी हैं हम। और घर आ गई मैं, घर आई तो तन में तो है रही, वो गया हुआ है ट्यूशन, लेकिन घर में कोई और है हमारे बड़े साहबजादे। आइए आइए आइए, आज हमारे बड़े साहबजादे घर पर मिले हमारे। बड़े साहबजादे आज आपको ये बताना चाहते हैं, आज वो जिम आपके साथ जाएंगे, आज इवनिंग में आपके साथ, मेरे साथ आपके टाइमिंग पे। ओहो, तो आज जिम करवाएंगे। ट्रेनर से भी ज्यादा बाहर जो एक्सरसाइज कराता है, एक एक मूवमेंट पकड़ता है मेरा, एक एक मूवमेंट। हाथ ऐसे नहीं, रोड ऐसे क्यों पकड़ी थी, हैंड सीधा क्यों नहीं गया था? आप ये बताओ, किसी दिन इनका जिम करवाते हैं, आपको व्लॉग चाहिए तो वो बनवाऊंगा। नहीं नहीं, जब ये जिम कराता मैं ऐसे होती हूँ, बस ये कहता है 3 सेट मारो, मैं तो 2 सेट ही बड़ी मुश्किल से मार पाती हूँ। बहुत ही स्ट्रिक्ट जिम ट्रेनर बनेगा ये तो। मेरी कोशिश ये होती है मॉर्निंग में ही जाए, मैं तो अपना इवनिंग में ही अपना जिम करके आ जाती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। रात को लेट हो जाता है ना, फिर मुझे भी आते आते मैं 8 बजे तक आता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आज आपके साथ जाऊँ। चलो आज माँ के साथ चलो, मम्मी डोले छोले बनवाएंगे, आज बाइसेप्स करेंगे। कुछ खा पी लूँ पहले ही, क्योंकि आज ये मेरी चटनी पे पीस देगा आज। बट ना अच्छा लगता है मेरे को इसके साथ जिम करना। और ये भी ना मिरर से मुझे देखता रहता है, मैंने कई बार देखा है इसको, मेरे को मिरर से देखता रहता है। मैं डंबल नहीं मिलते ना, ऐसे ढूंढ रही होती है पूरे जिम में, तो फिर मैं ढूंढने के देने जाता हूँ इन्हें कि कोई नहीं, मैं नहीं मिले वो लोग कर रही होती है, जब मिलते हैं तो मैं ले आती हूँ। मैं ढूंढती रहती हूँ इधर उधर, थोड़ा टाइम भी कट जाता है, तो डंबल ही ढूंढती हूँ मैं। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? कर रहा हूँ मैं व्लॉग, मम्मी ने तो कर दिया वैसे शेड्यूल। मम्मी का हो गया है जिम जाने का टाइम, और मम्मी के लिए बना रहा हूँ मैं अब ब्लैक कॉफी। मैं दिखा रहा हूँ कैसे बन रही है, पर लाइक कर लो। अभी तो थोड़ी से बस मिनट लगेंगे, फिर बन जाएगी। इससे पीने के बाद मम्मी जाएंगी जिम, और भाई भी जाएगा, दोनों ही जाएंगे। भाई तो पीना नहीं है तो कॉफी बस पियेंगे, तो बात करते हैं भाई। देख रहे हो पसीने में लथपथ, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, बहुत मेहनत करती हूँ मैं। देखो जस्ट अभी आई हूँ, और अभी 15 मिनट तक मुझसे कोई बात ना करे, मुझसे कोई चीट ना करे, मैं और
मेरा आराम और कूलर और सिर्फ रेस्ट। 15 मिनट के बाद ही मेरे अंदर आत्मा वापस आती है और फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन है, आप लोगों को कई दिन से पता नहीं है ना मेरा रूटीन, इसलिए बता रही हूँ। और ये जो बैठा है ना पीछे, इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है बताइए? क्योंकि कल स्कूल खुल रहे हैं और कल से इन्हें स्कूल जाना है। और अभी अभी हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हुआ है हमारा, हो गया कंप्लीट। पिटेगा, बच रहा है बेटा, बढ़िया पिटेगा, बढ़िया वाला पिटेगा, सही है बेटे, कर लो वर्क ठीक है।